नूरपुर के प्रमुख व्यवसायिक कस्बे जसूर में मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन करने वालों पर नूरपुर पुलिस व ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने वाहनों चालकों के चालान काटकर लगभग 24,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। डीएसपी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में लगाए गए नाके में 41 वाहनों के चालान काटे गए। डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ये अभियान पूरे नूरपुर उपमंडल में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक्सर देखने में आया है कि युवा वर्ग बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं और अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं। उन्होंने युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और गति पर नियंत्रण रखें। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनका बच्चा नाबालिग है तो उसे वाहन चलाने ना दें, साथ ही हमेशा हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं। आज जो है जसूर कस्बा में ट्रैफिक नूरपुर थाना नूरपुर स्टाफ के साथ मिलकर एक ट्रैफिक का नाका लगाया गया और गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें 41 चालान करके 24,000 रुपये फाइन किया गया है वायलेटर्स को। और ये जो है पूरे नूरपुर सब डिवीज़न में जो वायलेटर्स हैं इसके ट्रैफिक के नियमों को जो तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। और भविष्य में भी इस तरह से ही ये अभियान आगे चलाया जाएगा ताकि जो जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें थोड़ा सबक सिखाया जा सके। लोगों से कोई अपील? लोगों से अपील है कि वो अपने बच्चों को, खास करके जो टीनेजर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको बाइक्स ना दें, और अगर बाइक्स दे रहे हैं तो उन्हें हेलमेट पहनाने की आदत डालें। ज़्यादातर यूथ जो है वो जगह वायलेशन करता है ट्रैफिक नियमों की, जिससे बहुत फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों का पेरेंट्स का नुकसान होता है। पेरेंट्स से भी मेरी अपील है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा एजुकेट करें इस बारे में, ट्रैफिक के जो नियम है उनको पालन करवाने के लिए कहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान पेरेंट्स का है।